केंद्र प्रस्तुत कर रहा है नाटक मानव रोबोट, लेखक प्राग्ञ दोसा और प्रस्तुत करती है तनुजा कानड़े। तो ये सुनते हैं नाटक मानव रोबोट। जम्बूरिया बेटा खेल दिखाएगा है? ये बड़ा सेठ तुझे माला माल करेगा, सीरा पूरी खिलाएगा, बोल बोल, अरे पैसा देगा। सेठ को बता दे थक भगत लोग भगवान का भजन कैसे गाते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, मुख में राम बगल में सूरी, राम राम हरे हरे। देखा जनाब सब भगत लोग ऐसे भजन गाते हैं और मौका पाकर हाथ की सफाई दिखाते हैं। अरे मेरी जिम से धक्का लूं कहां चला गया, अरे मैं लुट गया, अरे मेरे धक्का लूट। क्या क्या कहता है, क्या कहता है बेटा जमूरिया? दस का नोट तू जादू मंत्र से मुझे लाकर देगा तो दिखा जरा जादू, मैं डुग डुगी बजाता हूँ। अरे बदमाश जमूरिया, तूने नोट मेरी जेब में से चुराया था, देखा मेहरबान इसकी हाथ की चालाकी, देखा है? अब बेटा ले ये झोली और जो दयालु कुछ भी दे, और रुपया दो रुपया वो ले ले। कैसा मनभावन नाचता है, बड़ा सेठ सब लोग चला गया, आप किस लिए रुक गया? अरे आपने तो कुछ दिया भी नहीं, खेल पसंद नहीं आया क्या सेठ? नहीं नहीं बहुत पसंद आया। अब मैं तुझे जो देने वाला हूँ रुपया पैसा, किसी ने अब तक तुझे ना दिया होगा। आपकी बड़ी मेहरबानी सेठ। ये ले 1000 रुपये। 1000? आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं सेठ। नहीं नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुझसे एक सौदा करना चाहता हूँ। सौदा? कैसा सौदा सेठ? मैं तेरा ये बंदर खरीदना चाहता हूँ। मेरा प्यारा जमूरिया खरीदना चाहते हो? हाँ। ना बाबा ना, ये बंदर तो मेरी रोटी रोजी है। देख मदारी, हाँ। तू दूसरा बंदर लाकर उसे सिखा देना। और फिर 2-3 महीने उसे सिखाने में सहज लग जाते हैं सेठ, मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, महंगाई कितनी है। मदारी, हाँ। महीने में कितना कमा लेते हो? सुबह शाम खेल करके रोजाना 30-35 रुपये सहज ही मिल जाते हैं सेठ। इसका मतलब हर महीने करीब 1000 है? ये लो मैं तुम्हें 2000 देता हूँ, सोच लो। कब से मैं देख रहा हूँ ये दाढ़ी वाला बंदर क्यों खरीदा जाता है, कुछ तो गहरा रहस्य समझ चुका है। क्या निर्णय लिया मदारी? देना हो तो दो, वरना मैं और कहीं से भी बंदर खरीद सकता हूँ। शेख जी, आप बंदर क्यों खरीदना चाहते हैं? मेरे मुन्ने को मैं चिड़ियाघर में ले गया था, वहाँ बंदर देखकर मुन्ना जिद करने लगा कि डैडी मुझे बंदर चाहिए बंदर चाहिए। वो जंगली बंदर लेकर मैं क्या करूँ, तेरा बंदर नाचता है खेल दिखाता है इसलिए मेरा मुन्ना खुश हो जाएगा। अजीब बात है, बालक कुत्ते या तोता मैने के लिए जिद करते, ये मैं आज देख रहा हूँ इसके मुन्ने को बंदर चाहिए। ये लो सेठ जी। ठीक है ये लो 2000 रुपये हाँ, और बंदर को मेरी गाड़ी के पीछे रख दो हाँ जी, ठीक वहाँ आराम से बिठा दो उसको। सेठ जी एक विनती है, ये जमूरिया मेरे बेटे जैसा है, इसे अच्छी तरह रखना। तुम चिंता मत करो मैं इसे अच्छी तरह रखूँगा। अब तू जा, मैं चलता हूँ।
यहाँ मेरे बेटे, अब तू महलों का रहने वाला होगा। ड्राइवर यहीं रुक जाओ, गाड़ी के करीब मत लेना, मैं वापस आता हूँ, तुम्हें वेटिंग चार्ज और वापस आने के जाने का चार्ज दूंगा। कैसे निर्जन स्थान में कॉटेज है, वो दाढ़ी वाला बंदर को अंदर ले गया। उफ, शाम बीत गई, अंधेरा हुआ, मैं खिड़की के बाहर खड़ा होकर अंदर क्या होता है वो देख सकूंगा। प्रोफेसर, तुम्हारी आज्ञा के अनुसार A1 जीरो को लाया हूँ। वेरी गुड हरि सिंह, तेरे सहयोग से मैं निश्चित रूप से इस नवीनतम प्रयोग में सफलता प्राप्त करूंगा। प्रोफेसर योग मूर्ति हरि सिंह किसको ले आए हैं? जो चढ़ा व्हाट्सएप, तुमने मुझे मानव रोबोट बनाया, मेरे शरीर में आधुनिक कंप्यूटर यंत्र बिठाए, मुझे कहा कुछ भी हो हमेशा सच बोलना, मुझे जानना चाहिए अब कौन अभागा जीव है जिसके ऊपर तुम ये प्रयोग करना चाहते हो। हरि सिंह ये जोली बहुत गड़बड़ करता है, उसे कोठरी में ले जाकर बंद कर दो। ठीक है प्रोफेसर, ठीक है। क्या हुआ ब्रदर जोली, प्रोफेसर तुम पर क्यों खफा हुए? ओह माय गॉड, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये तो वैज्ञानिक की प्रयोगशाला है, गैस चूल्हे चलते हैं, उनके ऊपर पात्र में रसायन तैयार होते हैं, पात्र के साथ जुड़ी हुई कांच के ट्यूब द्वारा वो रसायन के बूंद बूंद दूसरे पात्र में गिरते हैं, बड़ी बड़ी बॉटलों में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड आदि केमिकल भरे हैं, और ये तो मानव रोबोट, उनकी चमड़ी मनुष्य जैसी है, ओह जीवंत मानव करते लगते हैं। प्रोफेसर क्या प्रयोग कर रहा है? डॉले 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 डॉले, अपने कमरे में जाओ। जाते हैं। प्रोफेसर, ये जॉली बड़ा खतरनाक रोबोट लगता है। मैं जानता हूँ, अब मैं जॉली पर ही इसका प्रयोग करूंगा। मनुष्य हृदय जैसा हृदय और नारियां जॉली के शरीर में बिछाई है मैंने, मैं गोली खाने को दूंगा, उसका हार्ट बंद हो जाएगा, और ये जो रसायन मैं तैयार कर रहा हूं वो पिलाकर जॉली के हार्ट को पुनः जीवित करूंगा मैं। प्रोफेसर, इसके पहले तुमने चूहे और मेढकों पर प्रयोग किए थे, सब तो बेकार गए। नवीनतम प्रयोग करते करते ही सफलता प्राप्त होती है, समझे? Rome was not built in a day. मशहूर वैज्ञानिकों का इतिहास पढ़ो, समझे? कितने फेलियर्स के बाद वो सक्सेसफुल हुए हैं और जग प्रसिद्ध भी हुए हैं। मेरा ये प्रयोग, मेरी ये लड़ाई मृत्यु से है। मरे हुए मनुष्य को मैं जीवित करना चाहता हूँ, जीवित। आशक्त, जन्म और मृत्यु की डोर ईश्वर ने अपने हाथ में रखी है, तुम एक तिनके को भी हिला नहीं सकते। मेरे सामने जुबान चलाता है मुझे डंडा मारा, मेरी टांग टूट गई, अब वो तुम्हें ही रिपेयर करनी होगी। हरि सिंह जी, प्रोफेसर हरि सिंह, इसे टूल्स रूम में ले जा, टांग की जगह पिवोट बिठाना होगा। ये क्या? कंप्यूटर ने डेंजर सिग्नल की सीटी बजाई। कौन है? खिड़की के बाहर कौन है? हरि सिंह, क्यों चिल्लाते हो प्रोफेसर? मुझे मेरा काम करने दो। कंप्यूटर ने डेंजर सिग्नल दिया है, सीटी बजाई है उसने। मैंने देखा है कोई आदमी खिड़की के अंदर झांक रहा था,
वो देखो भाग रहा है, वो पकड़ो उसे। ड्राइवर जल्दी वापस चलो जल्दी यहां से। प्रोफेसर जल्दी बोलो वो कौन था। प्रोफेसर वो तो टैक्सी में बैठकर भाग गया। प्रोफेसर मुझे तो लगता है कि वो भी बंदर का खेल देखने आया होगा। जब मैंने बंदर को खरीदा यही देखकर वो इस रहस्य को जानने मेरे पीछे आया होगा। हमारा सब राज वो जान गया प्रोफेसर। हरि सिंह ये प्रोफेसर मुझे यकीन है बंदर पर मैं प्रयोग करता हूं या नहीं ये जानने के लिए वो वापस जरूर आएगा और तब तू चुप पकड़। मैं कम इन इंस्पेक्टर। कम इन इंस्पेक्टर। मैंने एक भयानक अनुष्ठान खोज निकाला है, तुम्हें जल्दी एक्शन लेना होगा वरना एक बंदर मर जाएगा। क्या कहा? एक बंदर मर जाएगा? हाँ प्रोफेसर, योगमूर्ति ने वर्सोवा से दूर निर्जन स्थान में प्रयोगशाला खड़ी की है। हार्ट फंक्शन आत्मा मृत्यु इस विषय पर PhD की है। वो ईश्वर को नहीं मानता, अब मृत्यु पर विजय प्राप्त करने कोई रसायन है तैयार कर रहा है, मरे हुए मानव को जीवित करना। ओह ये तो अच्छी बात है, आज का विज्ञान वो भी साबित करके दिखाएगा। आई विश हिम ऑल द सक्सेस। इंस्पेक्टर बंदर के प्रयोग में वो असफल रहा तो मनुष्य पर प्रयोग करेगा। That is cold blooded murder. Okay. तुम्हारा और उस प्रोफेसर का नाम और पूरा पता मुझे लिख कर दे दो, क्या कार्रवाई करनी होगी हम सोचेंगे। हरि सिंह ये प्रोफेसर। आर यू रेडी? यह प्रोफेसर। जोली इस टेबल पर लेट जाओ। हरि सिंह ये प्रोफेसर। रबर की नलकी से जोली के पेट में ये केमिकल डालो। गुड वेरी गुड वेरी गुड। जोली का हार्ट बंद हो गया। मार डाला मेरे भैया को, मार डाला। डरपोक लड़की, अब प्रोफेसर योग मूर्ति का कमाल देख, कैसा चमत्कार होता है देख। तेरा भाई जीवित होकर तुझे बुलाएगा। हरि सिंह जी प्रोफेसर। जो अमृत मैंने बनाया है वो अब मैं जोली के गले में डालता हूँ, जोली के हार्ट को रिवाइव करना होगा। ठीक है प्रोफेसर। टैक्सी फौरन वर्सोवा की ओर चलो। प्रोफेसर आधा घंटा हुआ, जॉली क्यों जीवित नहीं हुआ? डोंट वरी बेबी डोंट वरी, इट टेक्स टाइम। हरि सिंह कंप्यूटर के कनेक्शन चेक करो, शायद वहां वायर लूज होगा। देखो नहीं प्रोफेसर, मैंने सभी कनेक्शन चेक कर लिए हैं। देन व्हाट्स रॉन्ग? जॉली का जो हार्ट मैंने बनाया वो एक आम मानव के हृदय जैसा है। फिर ड्राइवर कार यहीं खड़ी कर दो, उस कॉटेज के पास मत रहना। और हाँ तुम यहीं ठहरना, मैं कॉटेज में जाकर वापस आता हूँ, तुम्हें डबल किराया दूंगा। जो सायरन मेन गेट के साथ मैंने इसका कनेक्शन किया था। मैंने क्या कहा था हरि सिंह? हाँ मैंने क्या कहा था? वो आदमी फिर आएगा। देखो कैसे चुपके चुपके आ रहा है वो। हाँ सावधान, उसे पकड़ना होगा,
वो खिड़की के करीब आ पहुंचा है। यू गो आउट बाय बैक डोर, क्विक क्विक। प्रोफेसर, मेरा भैया कब जीवित होगा? ओ यू शट अप, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। ओ माय गॉड, इसने जॉली को मार डाला। आई सी, अब उसे फिर जीवित करने का प्रयोग कर रहा है। अब ये मासूम लड़की पर प्रयोग करके उसे भी मार डालेगा। नहीं, अब तो तेरी बारी है। छोड़ मुझे, छोड़। छोड़ू कैसे? छोड़, छिप कर हमारा सब राज जान लिया। चुप चाप मेरे साथ चल, वरना ये छुरा तेरे सीने में भोग दूंगा, समझे? चल, चल। ये लीजिए प्रोफेसर, आपका मेहमान। आइए आइए, पधारिए पधारिए, बंदा नवाज आइए। हाँ, यहाँ से जाकर कहाँ कहाँ मेरे गुणगान किए आपने, बताइए। वक्त आने पर सब कुछ उजागर हो जाएगा। वक्त वक्त तो प्रोफेसर योग मूर्ति की मुट्ठी में है। और तू भी अब प्रोफेसर की मुट्ठी में है। कहिए जनाब आला, अब आप शराफत से ये बता दीजिए कि आपने यहाँ पर क्या क्या देखा है। मूर्ति को तुम जीवित करना चाहते हो प्रोफेसर? प्रोफेसर, मैं अध्यात्म शास्त्र का प्रोफेसर हूँ। मैंने वेदों का अभ्यास किया है। परमात्मा अविनाशी तत्व है और जीवात्मा परमात्मा का अंश है। मैं मानता हूँ विज्ञान की मदद से संभवतः तुम हार्ट को पुनः गतिमान कर सकोगे, मगर वो हार्ट केवल यंत्रवत चलेगा। प्रोफेसर, इस मुद्दे पर विचार करना होगा। हरे सिंह, तू मेरा असिस्टेंट होकर मेरे प्रयोग में संशय कर रहा है? प्रोफेसर, विल यू आंसर माय क्वेश्चन? बंद पड़े हुए हृदय को पेसमेकर मशीन ने चलाया, फिर भी मरा हुआ मनुष्य जीवित क्यों नहीं होता? आई डोंट विश टू आर्ग्यू। जस्सी, ये जॉली मरा पड़ा हुआ है, उसे मैं फिर से जीवित कर सकता हूँ। हरी जी, जॉली के हार्ट को फिर से चलाने के लिए जहां जहां शरीर में सॉकेट रखे हुए हैं वहां कंप्यूटर के प्लग जोड़कर कंप्यूटर चालू करो। मैं फिर जीवित हुआ। ओ मेरे भैया। हरी सिंह जी प्रोफेसर, इन साहेबान को इज्जत और एहतराम के साथ ले जाओ और हाथ पैरों में अच्छी तरह से जंजीरें जकड़ देना और कमरे में बंद कर देना। चलो शहजादे, और याद रखना, भागने की कोशिश की तो तेरी लाश चिता पर चढ़ेगी। अरे सिंह, तुम्हें तो मेरी बात सच लगी, तभी तो तुमने मेरी बात का समर्थन किया। हाँ, अभी मैंने तुझे डांटा, वो सिर्फ दिखावा था। प्रोफेसर को ऐसा ना लगे कि मैं तेरी तरफदारी कर रहा हूँ, समझा? क्या वो अब मेरे पर प्रयोग करेगा? अभी नहीं, मैं बंदर लाया हूँ, उस पर प्रयोग करेगा। वो प्रयोग फेल हुआ तो शायद तेरा नंबर लगेगा। क्या मुझे मार डालेगा? हाँ, पहले इस हाथ पैर की जंजीर के साथ तुझे टेबल पर लेटना होगा। टेबल पर अकड़ी दोनों ओर लगी हुई है, तेरे हाथ पैर की जंजीर उस अकड़ी में जुड़ जाएगी। प्रोफेसर इंजेक्शन लगाकर तेरा हार्ट बंद कर देगा। अगर मैं मर जाऊंगा? मगर दोस्त, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। तेरा नाम क्या है? केतन। केतन भैया, तुझसे पहले वो बंदर पर प्रयोग करेगा। प्रोफेसर मुझे बंदर लाने को कहेगा। चेन से बंधा हुआ बंदर मैं लेबोरेटरी में लेकर प्रवेश करूंगा। दरवाजा बंद हो जाएगा, बंदर मेरे हाथ से छूट जाएगा। मैं और प्रोफेसर उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। झड़पा झड़पी में बंदर प्रोफेसर की बनाई हुई जीवनदायिनी दवा की शीशी और जो केमिकल्स की शीशी है वो सब तोड़ डालेगा। फिर से जीवनदायिनी दवा बनाने में प्रोफेसर को करीब एक हफ्ता तो लगेगा। आगे का हाल तो बस वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ¶¶
हरी सिंह जी प्रोफेसर, अब उस बंदर को ले आओ। मुझे पूरा यकीन है, पूरा यकीन है कि बंदर पर प्रयोग करके विज्ञान के इतिहास में मैं अमर हो जाऊंगा। मैं अमर हो जाऊंगा। प्रोफेसर, मैं बंदर को लेकर अभी आता हूँ। हाँ, जल्दी लाओ। प्रोफेसर, तुम्हारी सफलता के यशभागी को लाया हूँ। गुड। हरि सिंह, उसे ठीक से पकड़ कर रखना, ये बड़े चंचल और शरारती होते हैं। और मेरी ये लेबोरेटरी कांच के एपरेटस से भरी पड़ी हुई है। प्रोफेसर, हरि सब जानता है कि उसे क्या करना है। हरि सिंह, पहले से खाने को दो। बाद में मैंने जो इसके लिए केमिकल तैयार किया है ना, वो इसको पिलाना। Then his heart will stop beating. ठीक है प्रोफेसर। ले बेटा, जंबुरिया, आज तेरे जीवन का आखिरी दिन है। तुझ पर खुश होकर प्रोफेसर ने पकवान बनाए हैं। हाँ, खा। ले, ये खा, इसे खा। हाँ, ले, खा, जी भर कर खा, जी भर कर खा। इसके बाद तो तुझे खाने को मिलेगा नहीं। अरे, मेरी और घूर घूर कर क्या देख रहा है? ओ, पकवान खलास। अच्छा अच्छा, ये ले, ये शरबत पी बेटा, पी, मीठा मीठा शरबत। ले 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 ले। बंदर मेरे हाथ से छूट गया। अरे, पकड़ो, पकड़ो, हरी सिंह, जल्दी पकड़ो। अरे, हाथ नहीं आया। मेरी लड़की का सत्यानाश कर दिया। I will shoot him, I will shoot him. अरे, ये तुमने क्या किया? बंदर को बेमौत मारा? मर गया, बेचारा मर गया। Shut up. मेरा तैयार किया हुआ मृत्यु संजीवनी रसायन गिर गया। मेरी सब मेहनत बेकार गई। हरीश का जिम्मेदार तू है, तू। मैं जिम्मेदार हूँ? अरे, मैं क्या करूँ? बंदर ने ऐसा जोर से झटका मारा कि मेरे हाथ से ये सब छूट गई। तुम्हें तो बंदर को मारना था तो मर गया। अब फिर से रसायन तैयार करके इसी मरे हुए बंदर पर प्रयोग करो। हाँ, हरी सिंह, तेरी अकल मारी गई है क्या? नया रसायन तैयार करने में 8-10 दिन लग जाएंगे। तब तक ये बंदर सड़ जाएगा, इसकी लाश से बदबू आने लगेगी। क्या किया जाए? हाँ, अभी एक ही उपाय बाकी है, बस एक उपाय बाकी है कि उस आदि पर प्रयोग करूंगा मैं। इस बंदर को ले जाओ यहां से और जमीन में गाड़ने का बंदोबस्त करो उसका। भैया, बंदर को मरे 10 दिन बीत गए। हाँ, और प्रोफेसर ने लेबोरेटरी फिर से सजाई है, संजीवनी रसायन भी तैयार किया है, और अब उस आदमी पर प्रयोग करेगा। हमें उसे बचाना चाहिए। कैसे बचाएंगे? हम तो रोबोट हैं। अरे, मैं बताता हूँ उपाय। डॉली, तू ले ये पावरफुल बैटरी, और जॉली, तुझे मैं देता हूँ प्याले में सल्फ्यूरिक एसिड। आदमी को प्रयोग के लिए लेबोरेटरी में लाया जाएगा, ठीक है? मैं विरोध करूँगा, तब मेरे और प्रोफेसर के बीच झगड़ा होगा। मौका पाकर डॉली, तू बैटरी का प्रकाश प्रोफेसर के मुंह पर फेंकना, क्षण भर के लिए वो अंधा हो जाएगा। तब जॉली, तू ये एसिड प्रोफेसर के मुंह पर फेंकना, वो चिल्लाएगा। बाकी का काम मैं पूरा करूंगा, ठीक है? प्रोफेसर अपनी तैयारी में लगा हुआ है, मैं दूसरे कमरे में जाकर पुलिस को फोन करता हूँ। हाँ,
ओहो, कौन है? यस, इंस्पेक्टर गुप्ता स्पीकिंग। इंस्पेक्टर, मैं प्रोफेसर योगमूर्ति की लेबोरेटरी में से बोल रहा हूँ। 15 दिन पहले केतन शर्मा आपको मिले थे, हा? और प्रोफेसर योगमूर्ति मुर्दे को जीवित करने का प्रयोग कर रहे हैं, ये बात भी उन्होंने की थी? हाँ हाँ, याद है, मुझे याद है, वर्सोवा कॉटेज में। योगमूर्ति हैज कैप्चर्ड केतन और आज इसी वक्त उन पर प्रयोग करने वाले हैं। आप पुलिस फोर्स के साथ जल्दी आइए, वरना ही विल बी डेड। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। हरि सिंह, हरि! आया, आया प्रोफेसर। देखो हरि सिंह, मैंने सब तैयारियां कर ली हैं, अब केतन को लाना होगा। ठहरो ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वी विल ब्रिंग हिम टाइट अप विद चेन्स। कम ऑन ड्राइवर, स्पीड बढ़ाओ। यंग मैन, चुपचाप तुम हमको सहयोग दो, वरना तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी हमें, समझे? मेरा एक ही जवाब है प्रोफेसर, जीना मरना प्रभु के हाथ है, तुम मुर्दे को जीवित नहीं कर सकते। हरि सिंह जी, प्रोफेसर, इस जिद्दी को पकड़ के रखो, मैं इंजेक्शन लगाता हूँ इसे। अच्छा प्रोफेसर, एक बार सोच लो, मैं दूसरा बंदर ले आऊंगा। ओ यू फूल, एहन वक्त पे पलट गया। फूल कहकर मुझे गाली देता है, यू मर्डर। अब तू मरेगा हरि सिंह, मैं तुझे भी शूट करूंगा। गाली! और एक प्रसाद मेरी ओर से, मैं तेरा पैर तोड़ूंगा। भूसा मेरी ओर से, ओ मुझे पकड़ा, मेरा मेरा गला। भैया अब तू भी ले, मेरा सर, दोनों दोनों नाक गए। ये है वो हत्यारा प्रोफेसर योगमूर्ति, मैंने इसे विकलांग बना दिया, वरना ये तो मुझे ही गोली मारना चाहता था। ओ नो, इसका तो पूरा मुंह जला हुआ है। इंस्पेक्टर, ये सब हरि सिंह का प्लान था, समय बच गया। लेकिन ये लड़का और ये लड़की, वे मानव रोबोट है। मेरी इच्छा थी मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊंगा, मगर प्रोफेसर ने दोनों को नाकामयाब बना दिया। प्रोफेसर योगमूर्ति, यू आर अंडर अरेस्ट फॉर द अटेम्प्ट ऑफ मर्डर। मर गया। अभी आप सुन रहे थे नाटक मानव रोबोट, जिसके लेखक थे प्रागजी डोसा। इस नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका अनुसार पात्र परिचय: मदारी विजय शंकर पांडे, हरि सिंह सुरोजीत चैटर्जी, जॉली सैयद जैदी, डॉली नीरजा माथुर, इंस्पेक्टर गुप्ता प्रकाश शुक्ला, केतन मोहम्मद इरशाद खां, प्रोफेसर योगमूर्ति अनिल सक्सेना। निर्माण सहयोग राजीव रंजन वर्मा तथा श्रीरंग सुरवे कथा। प्रस्तुत किया था तनुजा कानड़े ने। यह नाटक आकाशवाणी मुंबई केंद्र की भेंट थी।